स्वागत है विद्यार्थियों आपका गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के लेसन नंबर 33 जो हमने कल स्टार्ट किया था, मानव में भ्रूणीय परिवर्धन, इसका सेकंड पार्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो कल जो हमने डिस्कशन किया था तो हमने मानव में भ्रूणीय परिवर्धन की 5 अवस्थाओं के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन किया था और शुरुआत हमने की थी जाइगोट युग्मनज से। उसके बाद जो अवस्था आई उसे हमने नाम दिया था मोरूला अवस्था, हिंदी में तूतक अवस्था। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आई उसे ब्लास्टूला या कोरक अवस्था, और मानव में उसे कोरक पुटी कहा था। उसके बाद एक गैस्ट्रूला अवस्था आती है और फिर आगे किस प्रकार परिवर्धन होता है वो आज हम इस सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो जब जो कल से मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं कि गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई, तो जब भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो उस समय तीनों जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है। इन्हें हम जर्म लेयर या जनन स्तर के नाम से जानते हैं। मानव ट्रिप्लोप्लास्टिक त्रिकोरक स्तरीय जंतु हैं और इसलिए उसमें 1, 2 और ये 3 जनन स्तर उपस्थित होते हैं। इनके नाम है एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। तो तीनों जनन स्तरों का बन जाना ये इस बात का संकेत है, इंडिकेशन है कि गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो अब इस आज जो हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। फर्स्ट हिस्से में हम ये डिस्कस करेंगे कि गैस्ट्रुलेशन के समय जो ये 3 जनन स्तर बने वे आगे चलकर कौन सी संरचनाओं का निर्माण करेंगे। तो मैंने एक सिंपल सी टेबल की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया है कि एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म यानी इस जनन स्तर के द्वारा कौन सी संरचनाएं बनेगी। इसी प्रकार एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के द्वारा कौन सी संरचनाएं बनेगी और एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म के द्वारा कौन सी संरचनाएं बनेगी। नेक्स्ट जो अगला हिस्सा है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब मानव की बात करते हैं तो मानव में जो गर्भावधि है वो 9 माह या 266 डेज, ये समय एक होता है।
उस समय के दौरान क्या क्या परिवर्तन भ्रूण में होते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों का हम यहां डिस्कशन करेंगे। तो पहले पार्ट से शुरू करते हैं कि एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म क्या बनाती है, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म क्या बनाती है, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म क्या बनाती है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा एक्टोडर्म से निर्मित केवल कुछ संरचनाएं, मैंने सभी मेंशन नहीं की है, तो कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं इस टेबल में मैंने मेंशन की है जो एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से विकसित होती है। जैसे हमारी त्वचा के दो स्तर है, बाहर वाला ऊपर वाला अधिचर्म एपिडर्मिस, अंदर वाला होता है चर्म या डर्मिस। तो जो एपिडर्मिस है इसका विकास भ्रूणीय एक्टोडर्म के द्वारा हुआ है। तो अलग से हमारे तो त्वचा पे एक चैप्टर है, तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे, जब भी हम अधिचर्म पढ़ेंगे तो वहां ऐसा हम नोट करते हैं कि अधिचर्म भ्रूणीय एक्टोडर्म से निर्मित एक संरचना है। तो ये जो टेबल हमने बनाई है वो यहां तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो जब हम एनिमल फिजियोलॉजी के टोटल हमारे 10 चैप्टर्स हैं, यूनिट नंबर 6 के 5 चैप्टर, यूनिट नंबर 7 के 5 चैप्टर, तो वहां ये चीजें रिपीट होगी। तो अभी एक बार पढ़ लें, वहां एक बार और रिपीट कर लेंगे, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे तैयार हो जाएगी। इसी तरह हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो पूरा का पूरा भ्रूणीय एक्टोडर्म से निर्मित संरचना है। आंखों में जो रेटिना है, कॉर्निया है, ये भी एक्टोडर्म से निर्मित संरचना है। एक अंतःकरण है, इंटरनल ईयर, एक्टोडर्म से निर्मित संरचना है। पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, ये तो ब्रेन के ही वहां पर उपस्थित है, नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा है, ये भी एक्टोडर्मल संरचनाएं हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उन संरचनाओं के बारे में जो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म भ्रूणीय मीजोडर्म जनन स्तर से निर्मित है। जैसे त्वचा का चर्म स्तर हो गया, शरीर में जो पेशियां हैं, मसल्स हैं, वो सब मीजोडर्म से बनी हुई है। संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू, किडनी है, हार्ट है, टेस्टिस ओवेरी वृषण है, अंडाशय है, पृष्ठरज्जु है, तिल्ली या प्लीहा है, तो ये कुछ मैंने लिस्ट दी है और ये संरचनाएं मीजोडर्मल उत्पत्ति की संरचनाएं। तो जब हम हार्ट की डिस्कस करेंगे, किडनी की डिस्कस करेंगे, नर है तो वृषण की डिस्कस करेंगे, मादा है तो अंडाशय की डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हम ऐसा पढ़ते हैं कि ये संरचनाएं भ्रूणीय मीजोडर्म उत्पत्ति की संरचनाएं होती हैं। टेबल के लास्ट पार्ट में मैंने कुछ उन संरचनाओं के नाम काम में लिए हैं जो एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म भ्रूणीय एंडोडर्म से निर्मित संरचनाएं हैं। तो यहां पर फुफ्फुस है, लंग्स, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, यकृत है, अग्नाशय है, थायराइड ग्रंथि है, नर सदस्य के अंदर जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये कुछ संरचनाएं हैं वो भ्रूणीय एंडोडर्म से निर्मित संरचनाएं हैं। तो आपको केवल क्या करना है, ऐसी संरचनाओं के एग्जाम्पल्स याद करने हैं जो एक्टोडर्म से बनी है, मीजोडर्म से बनी है या एंडोडर्म से बनी है। यहां तक ठीक। अब नेक्स्ट भाग में मैं चलता हूं, तो हमने जो भ्रूण है उसमें जो क्रमागत परिवर्तन हो रहे एक के बाद एक, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, मैंने बताया था गर्भावधि कितनी, 9 माह की,
या 266 डेज की, मानव की बात कर रहे हैं, अलग अलग जंतुओं की गर्भा अवधि भी अलग अलग होती है। तो मानव वाली आपको याद है। ओके, पहले सप्ताह में क्या क्या हुआ पहले वो डिस्कस करें। फर्स्ट 7 डेज की बात कर रहा हूं, तो 24 घंटों में तो निषेचन की क्रिया हो जाएगी। 24 घंटों का मतलब क्या, अंडोत्सर्ग के बाद द्वितीयक ऊसाइट फैलोपियन नलिका में है, वीर्य सेचन के बाद शुक्राणु भी कहां पहुंच जाएंगे, फैलोपियन नलिका में। तो 24 घंटों के समय में निषेचन की क्रिया हो जाएगी, मतलब युग्मनज जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। यहां तक ठीक। और जब जाइगोट बन जाता है तो हमने कहा था विदलन शुरू होते हैं, तो तीसरे दिन मोरूला अवस्था या तूतक अवस्था का निर्माण हो जाता है। यहां तक ठीक। और फिर उससे कोरक पुटी अवस्था आती है 5वें से 6ठे दिन, और वो कोरक पुटी अवस्था अब अंडवाहिनी से गर्भाशय में पहुंच जाएगी। तो ऐसा माना जाता है 7वें से 8वें दिन के बीच, बिटवीन द 7th to 8th डे इम्प्लांटेशन, आरोपण की क्रिया होगी। कल समझा था आरोपण मतलब कि जो कोरक पुटी है उसके चारों ओर चपटी कोशिकाएं थी, पोष कोरक कोशिकाएं, वो क्या करती हैं, पोष कोरक कोशिकाएं गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में धसना शुरू कर देती है। इसी को हम क्या कहेंगे, आरोपण इम्प्लांटेशन। और ये परिवर्तन हमें 7वें से 8वें दिन के बीच में दिखाई देता है। तो ये पहले सप्ताह के परिवर्तन हुए, और पहले सप्ताह का परिणाम ये हुआ कि जो आरोपण की क्रिया है वो हो चुकी है। अब चलते हैं सेकंड वीक के, अगले 2 सप्ताह क्या परिवर्तन होंगे। तो नेक्स्ट 2 वीक क्या चेंजेस हुए, तो जो पहला चेंजेस मुझे दिखता है वो है अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इनका निर्माण होगा। इनके नाम है एमनियन, कोरियन, एलेंटोइक। तो ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां हैं, इनका निर्माण होगा। ये कई प्रकार के काम करती है, भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करना, श्वसन में सहायता करना, उत्सर्जन में सहायता करना, ऐसे कुछ काम इन अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन भ्रूण की संरचना के निर्माण में ये झिल्लियां योगदान नहीं देती, मतलब भ्रूण में कोई विशेष संरचना, कोई अंग इनके द्वारा नहीं बना, इसलिए नाम क्या दिया, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां। तो दूसरे सप्ताह में हमें जो पहला परिवर्तन दिखता है वो है अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के निर्माण की क्रिया हो जाती है। उसके बाद 14वें दिन अगर हम देखते हैं तो हमें एक आदि रेखा, प्रिमिटिव स्ट्रिक दिखाई देती है, या प्रिमिटिव स्ट्रिक आदि रेखा का निर्माण हो जाता है। तो यहां तक ठीक। तो दूसरे सप्ताह तक ये आदि रेखा बनी। ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक है ये ऑर्गेनाइजर का कार्य करती है। नेक्स्ट चलें, तीसरे स्टेप में हम डिस्कस करेंगे 3rd से 6th सप्ताह तक के परिवर्तन क्या क्या होगा। तो जर्म लेयर्स सब बन चुकी हैं, एक्टोडर्म बन गई, मेसोडर्म बन गई, एंडोडर्म बन गई, ये सब कुछ बन गया, मतलब गैस्ट्रुलेशन खत्म हो गया। यहां तक ठीक।
गैस्ट्रूला बन चुका है। मैंने कल डिस्कस किया था गैस्ट्रूला में एक ओपनिंग है, कोरक रंध्र, कोरक छिद्र, और गैस्ट्रुलेशन खत्म होना इसका मतलब तीनों जनन स्तरों का प्रकट हो जाना, एक्टोडम, मिजोडम, एंडोडम तीनों बन जाएगी। अब इनको जनन स्तर क्यों कहा है कि यही वो स्तर हैं जो भ्रूण की विभिन्न संरचनाओं को बनाते हैं, इसलिए नाम क्या दिया, जर्म लेयर, जनन स्तर। इसके बाद तंत्रिका तंत्र बनना शुरू हो, तंत्रिकाएं बन रही है, तो इसके निर्माण को हमने न्यूरुलेशन कहा है। तो हम देखते हैं कि 20वें दिन की बात करें तो हमें नर्वस सिस्टम बनना दिखाई देता है, इसे न्यूरुलेशन कहेंगे, यहां तक ठीक। और 28वें दिन हार्ट बीट करना शुरू कर देना है, हृदय में स्पंदन शुरू हो जाते, 28th डे। ओके, 20वें दिन न्यूरुलेशन यानी तंत्रिका तंत्र बना, याद रहेगा। आगे चले, नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्कस कर रहे हैं 6 से 8वें सप्ताह के परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होंगे इस समय। लीवर आरबीसी बनाता, देखो अभी एडल्ट स्टेज में है हम, आफ्टर बर्थ की बात करें तो हमारी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनमें जो बोन मेरो है, अस्थि मज्जा है, वहां पर आरबीसी के निर्माण की क्रिया होती है। लेकिन 6 से 8वें सप्ताह में जो आरबीसी इरिथ्रोसाइट है, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उनका निर्माण लीवर की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, यहां तक ठीक। तनुपट नामक एक संरचना है डायफ्राम, वो निर्मित हो जाती है। अब 8वें सप्ताह तक ये जो संरचना है इसे हम फीटस या गर्भ कहेंगे, यहां तक ठीक। इस समय हार्ट बीट 167 पर सेकेंड, अभी तो 72 से 75 पर सेकेंड है, उस समय बहुत तेजी से हृदय स्पंदन करता है, और वो क्या है स्पंदन की दर, 167 पर सेकेंड। राइट हैंड पहले एक्टिव हो जाता है, आईलिड्स पलके बन जाती है, विकसित हो जाती है। अगले स्टेप में चलते हैं, 9वें सप्ताह से लेकर 12वें सप्ताह तक के परिवर्तन, जो गर्भ है वो अपने अंगूठे को चूसना प्रारंभ कर देता है, बाह्य जननांग बन जाते हैं, क्लियर। तो बाह्य जननांग विकसित हो गए, इसलिए इस समय भ्रूण की लिंग जांच संभव हो पाती है कि भ्रूण है वो परिवर्धनशील, गर्भ है वो मेल है कि फीमेल है, वो इस समय निर्धारित हो जाता है। लिप्स है, नोज है, नेल्स है, नाखून, होठ, नाक, इस तरह की संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। लगभग इस समय तक 80% संरचनाएं विकसित हो जाती हैं। आगे चले, 3रे महीने से लेकर 4थे महीने तक क्या परिवर्तन हुए उस पर डिस्कस करेंगे। इस समय जो गर्भ है वो गर्भाशय में हलचल करना शुरू कर देता है, इसको क्लिकनिंग कहा जाता है, याद रहेगा। क्लिकनिंग का मतलब है गर्भ की या भ्रूण की गर्भाशय में जो मूवमेंट है, जो हलचल है, मदर उसे महसूस कर सकती है, इसे क्लिकनिंग के नाम से जाना जाता है। अगला है 4th to 6th month, 4थे से 6ठे महीने में क्या परिवर्तन हुए, भ्रूण के चारों ओर एक सफेद रंग की झिल्ली का आवरण बन जाता है, उसे वर्निक्स कहा जाता है। इस समय शिशु के शरीर पर बालों का विकास हो जाता है। 6th to birth, 6ठे महीने से लेकर जन्म तक शिशु के चारों ओर ब्राउन फैट, भूरी वसा का निर्माण होता है, जो ताप नियमन में सहायता करती है, यहां तक ठीक। तो ये हमने कुछ डिस्कस किए कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब ह्यूमन में होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन मोटे रूप से हमें दिखाई देते हैं, यहां तक ठीक। आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक, तो आप अपनी जो आरबीएससी की बुक है उससे भी इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगा। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, आपको याद रखना है किस समय क्या चेंजेस हुए, तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।